नमस्ते पटना, माई नेम इज़ रिधि एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन हम बिहार से हैं। और आज हम हैं टिंकू सैंडविच पार्लर, जो कि डाक बंगला चौराहा के पास है। टिंकू सैंडविच पार्लर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फायर सैंडविच फॉर द फर्स्ट टाइम इन पटना। मतलब पटना की इस ठंडी में आग लगाने के लिए टिंकू सैंडविच पार्लर लेके आए हैं फायर सैंडविच, एंड आई एम गोइंग टू चेक आउट कि इनकी फायर सैंडविच में कितना फायर है। तो भैया, आप फायर सैंडविच इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट? ये तो अपना आपके ना आप सोच के आइडिया निकाला हो फायर सैंडविच का। मतलब ऐसा क्यों लगा आपको कि पटना वालों को फायर सैंडविच से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल सैंडविच तो बहुत हो गया बना के, तो कुछ आग लगा सैंडविच निकालू ना, तो ठंडी भी बहुत हो रही है पटना में, तो आग लगाना तो जरूरी है, तो लगाया जाए आग पे। इसके लिए फायर सैंडविच बनाना चालू किया। बनाइए फिर, बटर डाले, अमूल बटर, थोड़ा स्वीट कॉर्न आएगा इसमें और थोड़ा पनीर आएगा, सब फ्राई होकर बनेगा। और एक जरा गर्म हो गया, एक मिनट जैसा गर्म है, उसमें कॉर्न चीज पनीर, थोड़ा मसाला आएगा, थोड़ा चिली फ्लेक्स आएगा, एरगोनो आएगा थोड़ा सा, इसके बाद मेयोनीज आएगा, इसके बाद अमूल चीज आएगा, थोड़ा मसाला आएगा, ब्रेड में बटर लगाएंगे, हरी चटनी है। ग्रेट करने के बाद स्लाइस में डालेंगे, फिर इसको बेक करेंगे। थोड़ा बटर लगाएंगे इसके ऊपर। अब सैंडविच, ठीक है, इसके ऊपर चीज रहेगा, स्प्रेड होगा। अब इसके ऊपर फायर करेंगे, सब चिली फ्लेक्स आएगा, थोड़ा एरोगोनो आएगा, एंड ये हमारा फायर सैंडविच तैयार है। जैसा कि आपने देखा, इसमें चीज, कॉर्न, पनीर, वेजी, स्पाइसेस सब कुछ डाला है। कॉस्ट इज जस्ट 80 रुपीज, एंड लुक एट दिस। Now, I am gonna try one bite with इनकी ये हरी चटनी है, जो कि लहसुन और नारियल की है। You know, जो उन्होंने फायर चीज़ को जो मेल्ट किया था ना, उसकी वजह से इट हैज़ अ स्मोकी फ्लेवर एंड इट्स वेरी चीज़ी। ये मतलब पैसा वसूल। तो ऐसा है कि फायर सैंडविच में तो बहुत फायर है, आप भी आके ट्राई कीजिए। टिंकू सैंडविच पार्लर विच इज़ एट डाक बंगला चौराहा, जोमैटो पे भी अवेलेबल है। सो सर्च फॉर टिंकू सैंडविच पार्लर ऑन जोमैटो एंड प्लेस योर ऑर्डर्स, और या फिर यहाँ आके खाइए, टेस्ट इज डैम डैम गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।